उन्होंने बहुत जल्दी कर दी सिद्धरा के मामले में। माँ अभी इसके अलावा कोई चारा नहीं था ना, अभी तक तो हम लोग घर से निकले नहीं है, अभी निकलेंगे ना तो फिर बातें भी निकलेंगी, मालूम नहीं कैसी कैसी। अरे सिद्धरा ने हमारे लिए बुरा किया, अपने लिए तो बहुत ही बुरा कर दिया। मैं हमेशा से आशू के दोस्तों के खिलाफ था, मालूम है ना, अभी देखो नतीजा क्या हुआ। लेकिन तुम लोगों ने मेरा कलेजा काट के रख दिया ना, मेरे जिगर के टुकड़े को ऐसे किसी के हवाले कर दिया जैसे वो लावारिस बच्ची थी। मैं तो कहती हूँ सलीम अभी इसी वक्त शाजिया को बुला और मेरे सामने तलाक दे। तुमने देखा नहीं उसने कैसे हमें नागन की तरह डस लिया है। खुदा के लिए मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ सलीम, उसे तलाक दे दे, घर से निकाल दे। उसे क्या बात कर रही है तू, सबर कर दू। हाँ माँ आप परेशान नहीं हो, अभी वो इस घर में नहीं रहेगी, छोड़ूंगा मैं उसको। अम्मा आपने बोल दिया खत्म बात, अभी अभी नहीं रहेगी वो यहाँ। शानिया आपको अम्मा से भाभी की शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। क्यों भाई? पता नहीं अब उन बेचारी के साथ क्या हो रहा होगा। तुमने वो मिसाल सुनी होगी, जैसी करनी वैसी बन। ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि वो बेकसूर है। कौन कहता है कि वो बेकसूर है? माफ करना लेकिन तुम्हारी भाभी बहुत ही तेज और शातिर किस्म की है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा उनमें। मैडम जब मैं अकेला होता था ना तो मुझसे बहुत उल्टी सीधी बातें किया करती। जब उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम बाकी क्या एक्सपेक्ट करती हो? शानी मत किया करें ऐसी बातें। बहुत भाभी को डिफेंड कर रही हो ना। मैंने तुम्हें आज तक एक बात नहीं बताई। एक दिन मैंने क्या देखा कि खिड़की में से मैडम शर्जील को नाश्ता देने के बहाने उनसे इजहारे मोहब्बत फरमा रही थी। शर्जील से? जी शर्जील से। आपकी भाभी जो है ना किसी खूबसूरत लड़के को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। क्यों करेंगी वो ऐसा? वो इसलिए क्योंकि उनके मियां बहुत बूढ़े हैं। शानी आप मेरे भाई की इंसल्ट कर रहे हैं। अब जो है वो है, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता ना। सोचने में दोबारा वापस नहीं आऊंगे। तलाकनामा मिल जाएगा तुमको। तमाशा बना दिया आपने मेरी जिंदगी का। जाऊंगा भी। दोबारा आवाज भी देंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। भैया टूटते हैं ख्वाब क्यों, बेवजह है बेसकून। अरे गुलशन मेरा तो दिल कुड़ा जा रहा है। यही हाल मेरा है माशूक अली। पता नहीं वो क्या हाल करे मेरी बच्ची का। तुमने भी तो इतनी जल्दी कर दी ना, कोई हाल ही नहीं रखा हमारा, ना आने का ना जाने का। तुमको जान लगती है ना, तू जाके पता कर ले, पता नहीं क्या करे मेरी बच्ची का। मैं जाके पता कर लू, मैं भी कैसे जाऊंगी, मेरा भी मुंह नहीं है कि मैं जाके उनसे बात कर सकूं। कैसे जाऊंगी मैं अपनी बच्ची को देखने। तो ये बात है। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी अब, लेकिन हमें बात तो करनी पड़ेगी ना उनसे। बेटा उनको समझाना था ना। बहुत कोशिश की अम्मी मैंने, लेकिन वहां पर सबको सिर्फ मेरी ही गलती लगती है। वैसे अजीब लोग हैं ये, हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? सीरियसली फवाद, इस बार तो वो लोग मेरे मुंह से खरी खरी सुनी लेंगे। नहीं फरिया, हमें आखिरी घड़ी तक उनका इंतजार करना चाहिए। जब वो लोग हमें तलाकनामा भेज देंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही है। तो शाजिया कदर नहीं की उन्होंने शाजिया। वैसे गलती हमारी, बल्कि हमारी नहीं भाजी, मेरी गलती। मैंने लोगों के घर इसको भेज दिया। ठीक कह रहे हैं। सारा है मुझे तो सोच सोच के। गुलशन कहाँ हो? अरे आ जाओ भाई, मैं यहीं हूँ।
कैसी हो? ठीक हो? कैसी हैं आप? आप ठीक हो? अरे गुलशन, ये हम क्या सुन रहे? भाई जो सुन रहे हो सच सुन रहे हो। वैसे तुमने औलाद को ना बड़ी ढील दे के रखी है। अरे मादर ने तो सारे मोहल्ले में बता दिया कि रातों रात निकाह हुआ है। इसमें मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, जरूर किसी ने हमसे बदला लिया है। अरे हाँ हाँ, हम भी यही कह रहे हैं, सिद्रा हमारे हाथों की बच्ची है। मेरा एक काम करोगे तुम? हाँ हाँ बोलो ना। मेरी सिद्रा की खैर खरीद ला के दे दो मुझे। ले, अभी सुबह तो हंसता खेलता छोड़कर आए उसको उसके घर पे। हाँ ना, कसम खाओ। अरे कसम से, पहले वहाँ थे अभी तो यहाँ आए। या अल्लाह, मेरी सिद्रा जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। अरे इलाही आमीन, इलाही आमीन। बेफिक्र रहो, खुशी रहेगी वो। और शर्जील, क्या सोचा फिर तुमने? सोच तो मैंने बहुत पहले ही लिया था सपना बनाने का। ये हुई ना बात मेरा शहजादा। बस अब ये सोच रहा हूँ कि शाजिया का पीछा कैसे छुड़वाऊं उन लोगों से। यार अगर इरादे साफ हों तो मंजिल आसान हो ही जाती है, बस तुम दिल छोटा ना करो। इरादे तो साफ हैं, अब देखो कब पूरे होते हैं। सब हो जाएगा यार, तुम टेंशन मत लो। और ये बात जहन में रखो कि अगर शाजिया को कोई खुश रख सकता है तो वो है सिर्फ शर्जील। आजा चल। क्या हुआ? सिद्रा चली जाओ यहाँ से। आप मुझसे क्यों नाराज हैं? मैंने कहा ना चली जाओ यहाँ से। मेरा क्या कसूर है? अच्छा मेरा हाल देख रही हो? किस बुरी तरीके से मारा तुम्हारे भाइयों ने मुझे। अब इस जगह कोई भी होता तो ऐसा ही कर। क्या तुम्हारा मतलब है जो कुछ हुआ सही हुआ? उन्होंने सही मारा मुझे। अब एहसास हुआ तो मैं तकलीफ का, इसी तरह मैं दबा था, इसी तरीके से मारा था उन्होंने मुझे। अब तब तुम मुझे वैसे बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत गलत किया है दिल नमाज में। कुछ ज्यादा ही गलत किया है, ऐसे करते हैं दोस्त, एतबार ही उठ गया मेरा दोस्ती के नाम से। यार मैंने उससे हमेशा पूछा है मगर वो हमेशा टाल गया। दिल नमाज को ऐसा नहीं करना, एतमाद तोड़ दिया उसे। हाजिम क्या बहन की शादी इस तरह करना ठीक था? यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, सबको जल्दी जल्दी में करा दिया, बस निकाह करा दिया। कल जो दिल नमाज के साथ मारपीट हुई यार, वो उसका बदला? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, प्यार करता है। अब तो शादी भी करा दी, ऐसा क्यों करेगा वो? नहीं मैं तो सिर्फ शक की बुनियादे बोल रहा था, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। अल्लाह खैर करेगा, सब खैर करेगा। चले यार देर हो रही है, चला चले काम। बैठो शाजिया। शाजिया देखो कौन आया है। और बताओ कनाडा कब जा रहे हो? बस अभी तो काम चल रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं फिर वापस चला जाऊंगा कनाडा। चलो गुड, मेरी भी हमेशा से ख्वाहिश रही कि मैं ऐसी जगहों पे घूमूं फिरूं। हाँ तो इरादा बनाए आप, प्लान करें। वाकई? जी बिल्कुल, आप रहने का भी कोई इशू नहीं है, मेरा घर है, आप वहां स्टे कर सकते हैं। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। बस तो फिर ठीक है, इस बार जरा मियां साहब के साथ मिलकर प्लान करती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर जब छुट्टियां हो तो घूमने के लिए चले। डन हो गया। ठीक। अच्छा ये बताओ कि तुम सलीम के घर गए थे? नहीं, और मुझे कोई फोन भी नहीं आया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वहां जाता। तो फिर तुम्हें कैसे पता चला कि शाजिया यहाँ पर है? मुझे फरा पी ने बताया। फरा? हाँ वो भी अच्छी लड़की है, शाजिया बताती है कि काफी ख्याल रखती थी इसका। जी मुझे तो बस इसी बात की फिक्र है कि अब शाजिया का क्या होगा। देखिए अब शाजिया उस माहौल से इधर आई है, उसे थोड़ा रिलैक्स करने दें,
वैसे वो आप लोगों पर बोझ तो नहीं है ना? हाँ, अब देखो कि बाजी उन लोगों से क्या बात करते हैं फोन पे। बिल्कुल, उन्हें फोन करें ताकि पता तो चले उनका इरादा क्या है। अच्छा बताओ, तुम चाय पियोगे, कॉफी, ठंडा, क्या? चाय। चाय जी। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। देर हो गई है, तू अभी तक गैराज खोलकर बैठा हुआ है? दिल नहीं कर रहा घर जाने का यार। यार वो अफसोस हुआ, लेकिन एक जगह गलती तेरी है। क्या? मेरी क्या गलती है भाई? तुझे बहन की शादी नहीं करनी चाहिए थी। अबे भाई, वो उसके साथ थी, मालूम है ना तेरे को। छुप छुप के उससे मिलती थी, उसको घर पे झूठ बोल के। तू भागी तो नहीं थी ना? बच्ची थी, वो समझा देता, उसको समझ जाती वो। और रहने दे उसको उसी के साथ। वहां पे कोई उसको बोलने वाला तो नहीं है ना, कोई टोकने वाला नहीं है। तू खैर क्यों नहीं गया? और तेरे को मालूम है जिसने उसकी मदद की थी उसको तो उसके घर भेज दिया मैंने। तलाक दे दूंगा जल्दी से मैं। सलीम क्या कर रहा है यार? अबे सारा शादिया का किया हुआ था ये। अबे वहम है तेरा, मोहब्बत करने वाले तो वैसे ही छुप छुप कर मोहब्बत करते हैं, वो क्यों बताएगी किसी को? और रहने दे, क्या बताऊं तेरे को मैं। बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूं। सलीम मत कर, तू गलत कर रहा है, अपना घर बर्बाद कर रहा है तू। तेरे को बताऊं मैं, फिर धोखा दिया उसने मेरे को, किसी और से प्यार करती है वो। अभी बोल क्या? और नहीं तो क्या? अबे बेवफा है वो, बेवफा। कितना प्यार किया उसने मैंने, तेरे को तो मालूम है ना। कभी मेरे को प्यार नहीं किया, कभी मैं पसंद आई नहीं उसको। एकदम बेवफा है यार, धोखेबाज, झूठी। ऊपर से मेरी बहन को भी जानों में झोंक दिया उसने। बात करता है क्या मालूम तेरे को? हनीफ अम्मा, मुझे जाना है काम पे, मैं चलता हूँ। बेटा तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। हाँ रहने दो, अरे जाने दो इसे काम पर। और वैसे भी बहुत अच्छी तरबियत की है ना तुमने इसकी। अरे आप तो ना खामखा मेरे बेटे के पीछे लगे रहते हैं। अरे तो करतूत देखे हैं तुमने इसके? अरे रातों रात निकाह करके घर लाना पड़ा। और लोग तो मुझसे पूछते हैं ना, जवाब तो मुझे देना पड़ता है। तो क्या करें? चलो ठीक है, मकान बेच देते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। मकान बेचेंगे? क्यों घर बेच देते हैं? यहीं रहेंगे हम, कहीं नहीं जाना हमें। हाँ तो ठीक है, रहो यहाँ, खुशी खुशी रहो, और हाँ पिटते भी रहो। अरे अब्बा एक बार रो गया ना, बस खत्म करो इस बात को, कब तक तमाशा बनाते रहोगे? ये चाय बना के लाई हो तुम, बिल्कुल अपनी शक्ल की जैसी। चलो जाओ दूसरी बना के लेकर आओ। ये क्या बदतमीजी है नवाज, ये जो जिल्लत उसके भाइयों ने मुझे दी है क्या वो दूर हो सकेगी? और एक बात कान खोल के सुन लो आप दोनों, आज के बाद आप लोग इस मामले में नहीं बोलोगे। ये बीवी है मेरी, और मेरी जो मर्जी इसके साथ सलूक करो। चाय पियोगे?
दिल ज्यादा घुटी हुई। दिल तो मेरा भी घट गया है माशुक अली, हंसने बोलने को दिल ही नहीं चाहता और ना ही खाने पीने। यही हाल मेरा भी है कुछ अभी, जो तूने मुझे बताया बाकी सच है। हाँ माशुक अली, मुझे जीशान ने बताया था, मुझे शक तो था लेकिन यकीन नहीं था। अब तो क्या गलती हो गई गुलशन, ये सब हमारे आगे आ रहा है भाई। हमने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा भी नहीं किया। अब देखो हाशिम को, उसने कवल को उसकी बेटी के साथ कबूल किया। नहीं गुलशन, कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, मेरे शहजादे सलीम का घर भी उजड़ गया। पता नहीं वो बदनसीब भी क्या किस्मत लेके पैदा हुआ। एक बात कहूं गुलशन, उम्रों का फर्क दिलों का फर्क बन जाता है। बड़ी उम्र की शादी नहीं होनी चाहिए। नहीं माशुक, जिन्होंने गुजारा करना होता है वो हर हाल में गुजारा करते हैं। ये भी बात तेरी ठीक है, संभालो अपने आप को। आप यहाँ क्या लेने आई हैं? खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दे। उससे कहें कि वो मेरी बात मान ले, छोड़ दूंगा। लेकिन लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं होगा। तो फिर ठीक है, पड़ा रहे सड़ता रहे जेल में सारी जिंदगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। क्यों बंद रखा हुआ है आपने उसे? क्योंकि वो शराफत से तो मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं है। आप जो चाहते हैं वो कभी भी नहीं मानेगा, आप प्लीज उसे छोड़ दें। आप जा सकती हैं और मेरे बीच में आइंदा नहीं बोलना। मैं कल से स्कूल जाऊंगी ना? हाँ खुशी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अम्मा मेरा यूनिफॉर्म कब आएगा? यूनिफॉर्म? खुशी जैसे आपके पापा आएंगे ना, फिर हम मिलके उनके साथ जाकर यूनिफॉर्म खरीदेंगे, ठीक है? ये देखो अम्मी, मेरी किताबें कितनी प्यारी हैं। हाँ लेकिन खुशी, अब आपने मम्मा के साथ एक वादा करना है कि आप मेहनत से दिल लगाकर पढ़ाई करोगी, ठीक है? अरे लगता है आपके पापा आ गए, आप ऐसा करो जल्दी से ये बुक्स समेटो, बैग में रखो, मैं उन्हें देखती हूँ। आ गए आप? तुम यहाँ बैठ, तुम जाके मम्मी के पास नहीं बैठ सकती थी, वो कितनी परेशान है बेचारी। हाँ वो ना कल खुशी के स्कूल का पहला दिन है तो उसे पढ़ा रही थी। अच्छा हाशिम, वो बताया था ना मैंने, खुशी का यूनिफॉर्म लेने जाना था। कल जाके ले आऊंगा मैं। हाशिम कल उसके स्कूल का पहला दिन है, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कैसे जाएगी? यहाँ से मिलता नहीं है वरना मैं जाकर। क्या हो गया कवल तुम्हें? अभी घर पहुंचा नहीं हूँ, जाके यूनिफॉर्म लेके आओ। तुमने मुझसे पूछा है मैंने कुछ खाया है कुछ पिया है, जाके यूनिफॉर्म लेके कैसी बीवी हो तुम? हाशिम क्या हो गया? घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो औरतें अकेली नहीं कर सकती, जरूरी था इसलिए तुम्हें बोला है। किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? कर लिए तुमने सारे काम, फुर्सत मिल गई तुम्हें अपनी बेटी से? गलत कर रहे हो तुम। गलत तुम कर रही हो मेरे साथ। क्या हो गया आशा, बदल गए ना तुम? मैं बदला या तुम बदली? हाँ हाशिम,